हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिकली तीन मेजर क्लासेस होती हैं, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स को हम सिंपल शुगर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये टेस्ट में स्वीट होती हैं और ये सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट होती है। और जो मोस्ट अबेंडेंट मोनोसेकेराइड है नेचर में वो 6 कार्बन शुगर है, जैसा कि डी ग्लूकोज, और इनको हम समटाइम डेक्सट्रोज भी रेफर करते हैं। डेक्सट्रोज इसलिए रेफर करते हैं इनकी कायरलिटी की वजह से, इनकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की वजह से ये डेक्सट्रोरोडेट्री होती हैं, तो इन्हें हम डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। मोनोसैकेराइड्स ऑफ मोर देन 4 कार्बन टेंड टू हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर। वो सॉल्यूशन में साइकिल की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, लॉन्ग चेन की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती है, जिनमें 4 से ज़्यादा कार्बन होते हैं। सेकेंड है ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड शॉर्ट चेन होती है मोनोसैकेराइड यूनिट की, 2 से लेकर 6 तक की जब यूनिट प्रेजेंट होती है मोनोसैकेराइड की, तो उन्हें हम ऑलिगोसैकेराइड कहते हैं। और ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक लिंकेज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक्ड होती है। एक मोनोसैकेराइड यूनिट दूसरी मोनोसैकेराइड यूनिट से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक होती है, और इस तरीके से ये 2 to 6 मोनोसैकेराइड यूनिट्स की बनी हो सकती है। जो मोस्ट अबेंडेंट हैं वो डाइसैकेराइड्स हैं, जिनमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ी होती हैं, और इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं डाइसैकेराइड्स। टिपिकल जो सुक्रोज है, जो केन शुगर है, जो हमने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, इसमें 2 6 कार्बन शुगर प्रेजेंट होती है, डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज। जब डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बाउंड होती है, तो जो मिलता है वो सुक्रोज होता है। और क्योंकि इसमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे डाइसैकेराइड कहते हैं। सेल्स में मोस्टली ऑलिगोसैकेराइड्स जो कि 3 या ज़्यादा यूनिट की बनी होती हैं, वो फ्रीली प्रेजेंट नहीं होती हैं, वो नॉन शुगर मॉलिक्यूल्स के संग जॉइंट कंडीशन में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि लिपिड या प्रोटीन की फॉर्म, लिपिड या प्रोटीन के संग कॉन्जुगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, और इसीलिए इन्हें ग्लाइको कॉन्जुगेट्स कहते हैं। लिपिड्स की फॉर्म में प्रेजेंट, लिपिड्स के संग कॉन्जुगेशन में अगर प्रेजेंट होती है तो उन्हें ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, और अगर प्रोटीन्स के संग कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होती है तो ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। पॉलीसैकेराइड्स वो शुगर के पॉलीमर्स होते हैं, और एक्चुअली ये शुगर, इन्हें हम शुगर नहीं कह सकते क्योंकि टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं। इनमें 20 या 20 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स जब आपस में जुड़कर लॉन्ग चेन्स बनाती हैं तो वो पॉलीसैकेराइड्स कहलाती हैं। और कुछ पॉलीसैकेराइड्स में तो 100 और 1000 यूनिट्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं। पॉलीसैकेराइड बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। होमो पॉलीसैकेराइड, जब एक ही टाइप की मोनोसैकेराइड यूनिट जोड़कर लॉन्ग चेन बनाए तो वो होमोसैकेराइड्स होमो पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं, और जब बहुत सारी अलग अलग टाइप की मोनोसैकेराइड यूनिट जोड़कर जब एक पॉलीसैकेराइड बनाए तो वो हेटरो पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। सम कॉमन जो होमो पॉलीसैकेराइड हैं वो जैसे कि सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये तीनों सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये तीनों ग्लूकोज के पॉलीसैकेराइड हैं और होमो पॉलीसैकेराइड। सो 2 फैमिलीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर एल्डोज एंड कीटोज। तो जब टर्मिनल कार्बन पे एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो एल्डोज शुगर कहलाती है, और जब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है जो कि बीच में कहीं प्रेजेंट होता है तो वो कीटोज शुगर कहलाती है। तो जो बेसिक एल्डो शुगर है, इससे छोटी मोनोसैकेराइड पॉसिबल नहीं है, वो है ग्लिसरल्डिहाइड। ये 3 कार्बन मोनोसैकेराइड है जिसमें जो टर्मिनल कार्बन है वो कार्बोनिल कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और जो बेसिक कीटो शुगर है वो भी एक ट्रायो शुगर ही है, 3 कार्बन की शुगर है, और इसका नाम है डायहाइड्रोक्सी एसीटोन, और कीटो ट्रायो जिसे कहते हैं। इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो सेंटर में प्रेजेंट है, और
फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। इनसे छोटी मोनोसेकेराइड पॉसिबल नहीं है, इनमें और कार्बन जुड़ते जाते हैं और ये एल्डोज शुगर्स बनाती हैं और ये कीटो शुगर बनाती हैं। तो जो दो मोस्ट कॉमन शुगर हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज जो है एक एल्डिहाइड शुगर है वो ग्लिसरेल्डिहाइड से बनती है आके, और ज़्यादा कार्बन जब उसमें जुड़ने लग जाते हैं। ये एक एल्डो हेक्सोज है, इसमें भी एक टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और इसमें टोटल 6 कार्बन प्रेजेंट है। और यहाँ पे अगर आप फ्रक्टोज में देखें तो फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये कीटो हेक्सोज है। इसके अलावा डी राइबोज और 2-डीऑक्सीडीराइबोज जो कि दो बहुत कॉमन शुगर्स हैं, राइबोज जो कि आरएनए में प्रेजेंट होती है और डीऑक्सीराइबोज जो कि डीएनए में प्रेजेंट होती है, दोनों ही एल्डिहाइड शुगर हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। सो ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट एल्डिहाइड शुगर। तीन वे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करने के, ग्लिसराइड में पॉलिनिस्टिक मॉडल, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला और पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। तीनों का एक सेम मोटो है कि जो ग्लिसरेल्डिहाइड है इसके जो मिडिल कार्बन पे जो कायरल कार्बन है इस पे OH ग्रुप की साइड प्रेजेंट है, अगर ये राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है तो वो डी ग्लिसरेल्डिहाइड है, और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है तो वो एल ग्लिसरेल्डिहाइड है। जो डी ग्लिसरेल्डिहाइड के सारे डेरिवेटिव्स होते हैं वो सारे डी मोनोसेकेराइड्स कहलाते हैं, और एल ग्लिसरेल्डिहाइड के जितने सारे डेरिवेटिव्स हैं वो सारे एल मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। तो जैसे कि अगर मैं हेक्सोज की बात करूँ तो टोटल 16 टाइप के हेक्सोज हो सकते हैं, 8 डी टाइप के हेक्सोज होते हैं और 8 ही एल टाइप के हेक्सोज होता है। और एक ह्यूमन में जो कॉमनली अकर शुगर्स हैं वो सारी टेक्सचर रोटेटरी होते हैं, डी टाइप शुगर्स होती हैं। मोनोसेकेराइड्स में एसिमेट्री कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है, जैसे कि ग्लिसरेल्डिहाइड की हमने अभी अभी बात की है, जो सेंटर कार्बन है वो एक एसिमेट्रिकल कार्बन है और इसी की वजह से इसकी कायरलिटी होती है डी या एल। अगर 4 कार्बन की बात करें तो यहाँ पे 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इन कायरल कार्बन से आइसोमर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो 2^n है। सपोज अगर जैसे ये 4 कार्बन है तो यहाँ पे 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो इसके कितने आइसोमर प्रेजेंट पॉसिबल हो सकते हैं, तो 2^2 दैट इज इक्वल्स टू 4, तो इसके टोटल 4 आइसोमर्स हो सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 तो ये डी एरिथ्रोज और डी थ्रीओज और दो ही एल टाइप के आइसोमर, एल एरिथ्रोज और एल थ्रीओज। तो जब दोनों ओ एच ग्रुप राइट हैंड साइड पे है तो वो एरिथ्रोज शुगर है, जब एक सेकेंड लास्ट कार्बन का जो ओ एच है वो राइट हैंड साइड पे है और थर्ड कार्बन का जो ओ एच है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इसे हम डी थ्रीओज शुगर कहते हैं। बेसिकली डी और एल जो हम देखते हैं वो सेकेंड लास्ट कार्बन की हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसा कि आप इन सब शुगर्स में देख सकते हैं कि इनका जो सेकेंड लास्ट कार्बन है उन सबका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट हैंड साइड पे है। ये देखिए सबका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट हैंड साइड पे है सेकेंड लास्ट कार्बन का, और आप कह सकते हैं कि लास्ट कायरल कार्बन का, तो इसीलिए ये सारी जो है वो डी शुगर है। और अगर यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे होता तो वो सारे फिर एल शुगर हो जाते। तो इसीलिए टोटल अगर मैं 6 कार्बन शुगर की बात करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डी आइसोमर्स होते हैं और 8 ही एल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, एपीमर्स। नाउ एपीमर्स क्या होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ डी मैनोज और डी ग्लूकोज की, तो डी मैनोज और डी ग्लूकोज दोनों ही डी शुगर्स हैं, दोनों ही हेक्सोज हैं। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मूला भी C6H12O6 है, दोनों में सिर्फ एक कार्बन पे डिफरेंस है अदर देन
दिस कार्बन अदर देन सेकेंड लास्ट कार्बन, सिर्फ एक कार्बन पे डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज में जो सेकेंड कार्बन है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड पे है, और मैनोज का सेकेंड कार्बन है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मैनोज और ग्लूकोज आपस में एपिमर्स कहलाएंगे। गैलेक्टोज और ग्लूकोज भी आपस में एपिमर्स कहलाएंगे, क्योंकि उनमें भी फोर्थ कार्बन, सिर्फ फोर्थ कार्बन डिफरेंस है, बाकी सारे कार्बन सेम। इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पे ग्लूकोज में जो फोर्थ कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट हैंड साइड पे है, और गैलेक्टोज में जो फोर्थ कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसलिए आपस में एपिमर कहलाएंगे। डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज एपिमर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो उनकी फिफ्थ कार्बन जो कि उनका सेकेंड लास्ट कार्बन है वो उनका डेक्सो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी के अकॉर्डिंग उनका आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। लेकिन ऐसे आइसोमर जो कि सिर्फ एक कार्बन पे, टू शुगर दैट डिफर ओनली इन द कॉन्फिगरेशन अराउंड वन कार्बन एटम आर कॉल्ड एपिमर्स, लाइक डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज विच डिफर्स ओनली इन द स्टीरियो केमिस्ट्री एट सेकेंड कार्बन आर द एपिमर, एंड डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज विच डिफर एट द सी फोर कार्बन आर द एपिमर। डी मैनोज और डी गैलेक्टोज अगेन दे आर नॉट एपिमर्स बिकॉज दे आर डिफरेंट एट फोर्थ कार्बन ऑल्सो एंड सेकेंड कार्बन। जो कॉमन मोनोसेकेराइड है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो डी ग्लूकोज में फिफ्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन में रिएक्शन होती है। फर्स्ट कार्बन फिफ्थ कार्बन का जो OH ग्रुप है उसका O फर्स्ट कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होने की वजह से यहाँ पे O की एक वैलेंसी भी फ्री हो जाती है, और यहाँ से H रिलीज होता है, यह H जाके अटैच हो जाता है इस ऑक्सीजन के साथ। तो ये दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, अल्फा फॉर्म में या बीटा फॉर्म में। अल्फा फॉर्म में जबकि सिक्स कार्बन और फर्स्ट कार्बन का OH डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में, ये यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो फर्स्ट कार्बन का OH इस लाइन से नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा और सिक्स कार्बन का OH ऑब्वियसली इस लाइन से ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा। तो ये वाला जो ग्लूकोज का फॉर्म है ये अल्फा फॉर्म कहलाएगा। इसका इससे जो डिफरेंट है वो बीटा फॉर्म है, जिसमें फर्स्ट कार्बन और सिक्स कार्बन का OH ग्रुप सेम प्लेन में प्रेजेंट होगा, तो ये बीटा फॉर्म कहलाएगा। और पाइरेनोज ये सिक्स मेंबर्ड रिंग है जिसमें पांच कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 और एक ऑक्सीजन है। तो ये जो फाइव सिक्स मेंबर्ड रिंग है जिसमें फाइव कार्बन और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसे पाइरेनोज रिंग कहते हैं। तो ग्लूकोज की ये फॉर्म अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज कहलाएगी और ये फॉर्म बीटा डी ग्लूकोज पाइरेनोज कहलाएगी। इस वीडियो में हम इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई एफर्ट काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।